दोस्तों यह है आपके डाउट का फोर्थ पार्ट, चौथा पार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप ट्वेल्थ बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मतलब कि अगर आपको ट्वेल्थ बोर्ड का एग्जाम देना है या फिर आप आईआईटी मेन एडवांस इन सब चीजों का तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं या प्लस टू लेवल के किसी भी जनरल साइंस का तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर कभी भी अपना डाउट पूछा है, तो यह वीडियो आपके लिए आज का बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ साथ में आपको बता दें कि डाउट के सीरीज में आपके द्वारा पूछे गए सारे डाउट को मैं क्लियर करता हूं, डिटेल में वीडियो बनाता हूं, क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं, जो कि आप लोग हमेशा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हमेशा डाउट पूछा करते हैं। मुझे लगता है कि जो डाउट मैं आपको वहीं पे बता सकता हूं उसे मैं वहीं पे क्लियर कर देता हूं, और मुझे जो लगता है कि मैं वहां पे नहीं बता सकता हूं, वीडियो से समझाना पड़ेगा, उसी का ये सीरीज होता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। क्योंकि सिंपल से वे में आप लोगों को मैं हमेशा फिजिक्स पढ़ाता हूं, अगर मैं आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं करूंगा तो जितना मैं फायदा देना चाहता हूं उतना मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए डाउट का वीडियो हमेशा लाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपनी एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। तो शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट एंड लाइक वीडियो, और सीधे चलते हैं डाउट के क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला डाउट शो कर रहा है यहां पे शुभम कृष्णा का, इन्होंने लिखा है सर सीसी डिवाइडेड बाय एनएन डॉट एमएम एफ वाई एम मतलब फैराड पर मीटर के बराबर कैसे होता है। आशा करते हैं कि आपको यह पूछा गया क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको समझा देता हूं कि पूछना क्या चाह रहे हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि सीसी का मतलब हो गया कूलम्ब स्क्वायर, सी इंटू सी कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाई मतलब कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन, और उसके बाद देखिए इन्होंने दो लिख दिया है, एन एक ही एन होना चाहिए था, पर न्यूटन और दो एम इंटू एम तो मीटर स्क्वायर। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि सर कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फैराड पर मीटर एफ वाई मतलब फैराड पर मीटर के बराबर कैसे है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपसे बहुत पहले भी पूछा था, जब मैं ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन बता रहा था उसमें मैंने पूछा था कि बताइए कि कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर फैराड पर मीटर के बराबर होता है कैसे। आप लोग उसका जवाब नहीं दिए, लगता उन्हीं का ये क्वेश्चन है कि सर ये कैसे होता है। देखिए मैं बता रहा हूं, आप लोगों को पता नहीं पता है तो जान लीजिए कि आप सोलेनॉइड जिसको हम लोग बोलते हैं, आप सॉल्यूट परमिटिविटी जिसको बोलते हैं प्रवैधता, उसका एसआई मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है, और उसका एक और मात्रक होता है, उसका एसआई यूनिट एक और होता है फैराड पर मीटर। तो यही सवाल है कि अब सोलेनॉइड का यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर तो होता है, लेकिन फैराड पर मीटर कैसे होता है। इनको सवाल को इस तरीके से पूछना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन उठाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, मुझे भी अभी बताने में समझाने में बहुत मजा आएगा। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आखिर इसका यूनिट होता कैसे है। तो देखिए पहले बात तो आप समझ लीजिए, पहली बात तो आप बढ़िया समझ लीजिए कि आप सोलेनॉइड का चाहे आप सॉल्यूट परमिटिविटी जिसका वैल्यू 8.85 × 10^12 होता है, इसका यूनिट अगर मैं ये बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये बोलूं या ये बोलूं, दोनों में से कोई दोनों अलग यूनिट नहीं है, बस लिखने का नजरिया, लिखने का तरीका, लिखने का ढंग अलग है। अब मैं बताता हूं कि दोनों एक कैसे, देखिए या फिर दोनों होता कैसे, समझिएगा। देखिए आपने पढ़ा होगा फोर्स, दो चार्ज के बीच फोर्स पढ़े होंगे ना, दो चार्ज क्यू वन क्यू टू के बीच जो फोर्स लगता है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, 1/4 πε0। क्योंकि मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि ε0 का ये यूनिट कैसे होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर मैं बताऊंगा फैराड पर मीटर कैसे होता है। तो आप पढ़े होंगे फोर्स बराबर होता है 1/4 πε0 Q1 Q2 by R square, याद कीजिए Q1 Q2 by R square। तो सबसे पहले यहां सारे का यूनिट पुट कर दीजिए सिर्फ एप्सिलॉन को छोड़ के, क्योंकि एप्सिलॉन का यूनिट छोड़ के पुट कीजिएगा तो यहां से निकल जाएगा एप्सिलॉन का यूनिट। देखिए मैं पुट करता हूं F फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, बराबर वन तो एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा संख्या का, चार भी एक नंबर है और पाई भी यूनिट, इसका कोई संख्या नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। तो यहां बच गया आपको 1/ε0, यहां पे ये कोई बस यूनिट में पुट कर रहा हूं, तो चार का भी कोई यूनिट नहीं होगा, पाई का भी कोई यूनिट नहीं होगा, इसलिए मैं इसे नहीं पुट कर रहा हूं। देखिए क्यू इंटू क्यू, तो क्यू का होता है कूलम्ब, तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब क्या हो गया कूलम्ब स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर है तो आर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का होता है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर कर देंगे दूरी का तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखिए तो यहां से एप्सिलॉन का यूनिट निकालें तो ये चला जाएगा इधर और ये आ जाएगा नीचे, तो देखिए तो अगर मैं एप्सिलॉन यहां से निकालूं तो कितना आ जाएगा एप्सिलॉन, ध्यान से देखिएगा आ जाएगा आपको नीचे आ जाएगा तो ऊपर बच जाएगा कूलम्ब स्क्वायर और नीचे बच जाएगा न्यूटन, नीचे आ जाएगा न्यूटन, आ जाएगा ना नीचे, देखिए नहीं न्यूटन एन नीचे आ जाएगा ना नीचे मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट क्या हो गया कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया पहला। अब कहेगा सर आपने बोला कि
फैराड पर मीटर कैसे होता है, तो ये बहुत आसान है। देखिए याद कीजिए पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। मेरे भाई याद कर कीजिए कैपेसिटेंस कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे सबका वैल्यू पुट करता हूं, देखिए मैं ऊपर पुट करता हूं, यहां जगह थोड़ा कम है, मैं यहां पुट करता हूं सी का। इस सी का यूनिट क्या होता है, फैराड, सिर्फ एप्सिलॉन का छोड़ के सी का यूनिट हो गया फैराड, पता नहीं कैपेसिटेंस का फैराड होता है। ए का हो गया एरिया का मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन का तो निकालना इसको रहने दीजिए, क्षेत्रफल ए जो होता है एरिया क्षेत्रफल इसका मीटर स्क्वायर होता है, डी का होता है आपको मीटर, तो क्या हो गया एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो देखिए तो यहां से एप्सिलॉन का यूनिट कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा फैराड पर मीटर, तो ये एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, यहां पे एक एम तो एक ही एम बचा ना, तो फिर निकालेंगे तो इंची डिवाइड में जाएगा ना, तो आपको आ जाएगा फैराड मीटर। लेकिन अब मैं एक बात बता दूं ना कि कोई दो अलग चीज नहीं है, ये दोनों कोई अलग चीज नहीं, कोई मतलब कोई ऐसा नहीं कि अलग यूनिट अलग, दोनों बिल्कुल सेम है। अगर सही ढंग से अगर हायर लेवल तक पढ़ाई कीजिएगा या बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों को दोनों बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं शुभम कृष्णा जी और अब सारे के सारे एमिंग हाई के यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। आपको भी अगर कोई डाउट है, अब मैं चलता हूं अगले डाउट पे, मैं अगला डाउट पे बहुत सारा डाउट है, मैं दो तीन चार डाउट एक वीडियो बनाता हूं, मैं ये कर रहा हूं कि अगर आपको भी कोई डाउट है, अगर आपने कभी डाउट पूछा, अगर आज का वीडियो में मैं डाउट नहीं बता पाया आपका, तो जरूर कमेंट बॉक्स में फिर से एक बार डाउट लिख दीजिए या फिर एक बार हमें याद दिला दीजिए व्हाट्सएप पे कहीं भी, क्योंकि आता तो डेली मैं 500 बच्चे का मैसेज रिसीव करता हूं, डेली 500 स्टूडेंट का, उसमें कुछ छूट जाते हैं कुछ नहीं छूटते हैं, तो जो नहीं छूटते हैं वो यहां है, जो छूट जाते हैं वो तो छूट जाते हैं, कभी बहुत सारा वर्क भी होता है, इसलिए अगर आपका डाउट नहीं मैंने बताया है तो चिंता आपको नहीं करना, फिर से एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर से दिखा दीजिए, आपको डाउट मेरे नजर में आ जाएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। चलते हैं सेकंड डाउट पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहां सेकंड डाउट है पुष्पा कुमारी का, इन्होंने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये पिक भेजा और उन्होंने डाउट पूछा है। देखिए इनका डाउट क्या है, मैं बता रहा हूं इनका डाउट क्या है, इनका डाउट है किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि विभव मापी क्या होता है, जो इंग्लिश है वो सुनिए, पोटेंशियोमीटर, किसी पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिव सुग्राहिता मतलब होता है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, फिर से सुन लीजिए, किसी पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वायर का, क्रॉस सेक्शनल जो मोटाई क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इसको बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है तार के लंबाई को घटाना चाहिए, मतलब लेंथ को डिक्रीज करना चाहिए, इसकी धारा मतलब इसके करंट को घटाना चाहिए, और ऑप्शन डी में इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए। मैं बता दूं कि इसका वीडियो मैंने पहले डिटेल में समझा कर बताया है, अगर आप पुष्पा कुमारी नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए पूरा ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन। वैसे मैं बता दूं कि इसका सही हो जाएगा सी, इसका करंट घटाना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जो के होता है, जो पोटेंशियोमीटर का जो के होता है कांस्टेंट होता है, ये होता है I इनटू यूनिट रेंट यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, तो जितना कम I रहेगा उतना ही कम के रहेगा, और जितना ही कम के रहेगा उतना ही ज्यादा आपको L मिलेगा और आपका पोटेंशियोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव मिलेगा। अगर आप इसको नहीं जानते तो बढ़िया से पोटेंशियोमीटर को पढ़ लीजिए या पीछे का वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अब हम चलते हैं अगले डाउट पे कि अगला डाउट किनका है और क्या कह रही हैं या फिर कह रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये डाउट है राहुल कुमार का, इन्होंने भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पिक भेजा और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए और बी यहां पर छूट गया है, साफ से उनका पिक नहीं है, थोड़ा साफ पिक भेज दे तो ज्यादा बेहतर से मैं समझा पाता, खैर कोई बात नहीं। इनका ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, मैं बता दूं कि समतुल्य प्रतिरोध मतलब होता है इक्विवेलेंट, सॉरी समतुल्य धारिता ज्ञात करें, कैपेसिटर है समतुल्य धारिता ज्ञात करें, समतुल्य धारिता मतलब होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी इन्होंने क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए आपने सबसे पहले तो राहुल कुमार आपने ये जो पेन इस तरीके से चलाया है, आपने ये तीन, ये थर्ड और ये थर्ड को एक साथ, और ये टू और ये थर्ड को एक साथ जो आपने पेन के जरिए इस तरीके से घुमा कर लिया है, ये आपका गलत है, ऐसे कीजिएगा तो कोई बनेगा ही नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ये वाला तीन देखिए, देखिए ये वाला तीन, ये वाला तीन और ये वाला तीन, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये तीन, ये तीन और ये तीन, ये तीनों के तीनों लगातार जुड़ा हुआ है, देखिए तीनों लगातार नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तीनों हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, किसमें हो जाएगा, ये तीन ये तीन ये तीन किसमें हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो पहले मैं इन तीनों का निकालता हूं सी इक्विवेलेंट, तो आपको पता होगा कि सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C1 = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, कीजिएगा तो 1/C1 = कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/C1 हो जाएगा 1/3, 1/C2 भी हो जाएगा 1/3, 1/ तीनों के तीनों 1/3।
होगी। तो 1/3 + 1/3 + 1/3 तो 1/3 कितना हो गया, 3/3 हो गया ना, 3/3 कट के कितना हो जाएगा आपको 1। तो यहां से सीक्वेंट को देखिएगा तो आपको 1/1 कितना आ गया, 1। यानी ये तीनों का 3 3 3 कीजिए घर पे कैलकुलेशन, में शॉर्टकट बता रहा हूं बहुत जल्दी। इन तीनों का सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपको, इन तीनों का सीक्वेंट आ जाएगा 1 के बराबर। अब देखिए मैं फिर से इसे साफ कर रहा हूं थोड़ा सा, मतलब ये तीनों मिलकर आपको कितने का आ गया, 1 का। अभी तीनों को भूल जाए, ये 1 का। अब देखिए ये 1 और ये 2 आपस में पैरेलल में, देखिए ना ये 1 और ये 2 आपस में पैरेलल में है, तो आपको तो पता होगा ना कि पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ता है, C1 + C2 होता है, सीरीज में डिवाइड होकर 1/C1 और 1/C2 होता है, यहां डायरेक्ट जुड़ता है। तो यहां 2 और 3 पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 पैरेलल में, तीनों मिलकर 1 ना बन गया, ये 3 और ये 3 मिलकर 1 का बन गया। अभी ना देखिए यहां पे 1 आ गया, तो ये 2 और ये 1 पैरेलल में, तो दोनों मिलकर कितना आ गया, 3। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहां से यहां तक तो आपको आ गया 3। फिर से देखिएगा यहां से यहां तक कितने का आ गया आपको, 3 का। मैं साफ कर देता हूं पूरा के पूरा, थोड़ा सा नहीं साफ करूंगा ना तो यहां पे, या फिर चलिए मैं पूरा नहीं साफ करता हूं, इधर थोड़ा दूर साफ मैं कर देता हूं, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहां से यहां पूरा के पूरा ये कितने का बन गया, 3 का। क्यों, कि ये तीन मिलकर 1 बना, और ये 1 के साथ ये 2 मिलकर आपका 3 बना, ठीक है। तो यहां से यहां तक पूरा बन गया 3। अब देखिए ये बन गया 3, समझिएगा इधर आपको 3 है, ये टोटली आपको 3 है, ऐसा देख लीजिए, ये आपको 3 बन गया, ये 3 और ये 3 फिर से सीरीज में आ गया, देखिए ये 3 और ये 3 पूरा सीरीज में आ गया, तो ये 3 3 3 से फिर 1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 1। और सोचिए कि इस 1 के साथ फिर से ये 2 पैरेलल में हो जाएगा, देखिए ना इस 1 के साथ फिर से ये जो 2 है ये पैरेलल में हो जाएगा, तो ये 2 और ये 1 पैरेलल में, तो फिर से हो जाएगा पैरेलल में जुड़ेगा तो 2 + 1 कितना, 3 ही हो जाएगा, पैरेलल में जुड़ेगा ना, ये तीनों सीरीज में था तो 1 आ गया, ये तीनों सीरीज में था तो 1 आया, और ये 2 पैरेलल में है तो ये 2 पैरेलल में और ये 1 आया, तो 2 1 3। अब देखिए अभी ये टोटल मिलके 3 आ गया, मतलब अगर मैं बढ़िया से इसे पूरा क्लियर कर दूं तो यहां से यहां तक आ गया आपको कितना, 3। मैं फिर से कह देता हूं 3 3 3 मिलकर 1, ये तीनों मिलकर 1 और ये 1 और ये 2 पैरेलल में, इसलिए मिल गया 2 और 1 3, और ये फिर ये 3 और ये टोटल मिलकर 3 हुआ, और ये 3, ये 3 3 सीरीज में, फिर से 1 और ये 2 फिर पैरेलल में, तो फिर से आपको आ गया कितना के बराबर, 1 के बराबर, सॉरी 3 के बराबर। और ये देखिए इधर आपको 3 होगी और ये 3 और ये 3, तो ये 3 ये 3 ये 3 सीरीज में है, इसलिए 3 3 3 जब सीरीज में आ जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, आपको 1/3 + 1/3 + 1/3 तो आपको आ जाएगा 1/3 = 1/3 + 1/3 + 1/3 यानी 3/3 कट के आपको आ जाएगा 3 3 कट जाएगा, आपको आ जाएगा 1, यानी सीक्वेंट भी आ जाएगा आपको 1, यानी टोटल इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोफेराड। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझे तो मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं, इस तरीके के हर एक क्वेश्चन में पीछे से चलना होता है, ये तीन मिलकर 1 हो जाएगा, लास्ट का 3 ये 2 के साथ फिर मिलकर 1 3 हो जाएगा, फिर उसके साथ इस तरीके से काम कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना डाउट पूछा है और मैंने आपका डाउट का वीडियो नहीं बनाया है तो फिर से एक बार या तो याद दिला दीजिए, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं कि डेली कम से कम दिन में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, 500 बच्चे का मैं हर दिन मैसेज रिसीव करता हूं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसलिए थोड़ा डाउट कभी कभी छप जाता है, दब जाता है, कहीं लिखते हैं लेकिन वो दब जाता है, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं लेकिन दब जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग फिर से डॉट याद दिला दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और आज 11:30 बजे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसको भी बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।